जग बेलाए बहना में जानना चाहता हूं वो कैसे है भैया, वो कैसे है? हाँ भैया, मैं वह अचानक वो कैसे है? तुम वहां पर क्या करने चली गई थी? मैं उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाहा, फिर क्या हुआ? इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल कर नाचा। देना चाहिए कि मैं लंकापति लंकेश की सबसे प्यारी बहना हूँ। बताया था भैया, तुम्हें डर गए होंगे। अरे नहीं भैया, बहुत बुरी बुरी बातें कही तुमने। ये क्या कह रही हो? और जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? सुनते ही उसने दी गाली। अब मेरे काले कतर डाले और मेरी नाक का बहना, उन्होंने अपराध किया है और वो अपराधी तेरे हैं। मैं कौन सा उन्हें दंड दू? तू दंड का निर्धारण कर। सुनो भैया, सुना। और मेरी नाक गई सो गई। हाँ हाँ, पर अपनी नाक संभालो तुम। ये तुम क्या कह रही हो भैया? और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नक्ता नाम था। ये कहने का तो साहस यदि किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इस प्रकार से कट करके उसका ये शीश थरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। लेकिन यहाँ आने के पहले बहन, क्या तुम वहां पर नहीं गई? ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुल पुक्षर से नहीं कहा भैया? प्रणाम क्या भैया? मेरी सहायता भी की भैया। प्रणाम क्या भैया? प्रणाम सुनिए भैया। और मैं देख रही थी कड़ी कड़ी और उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम शांत था। ये अब चढ़ गया जुनून, वो बच जाएंगे नहीं। ये खून का पतला खून, वे काटे ये तेरे नाक कान। और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज बचाए। ये लानत है अस्त्र उठाने में। बहन जाओ, जाकर के तुम सुखेर पैद से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन बनवासियों से
कल नहीं आज नहीं, मैं अभी लूंगा अभी लूंगा अभी लूंगा। भैया अब देखिए महाराज रावण पहुंचे कहां, सागर के किनारे आ गए, क्योंकि बीच समुद्र में लंका है। अब ये सपना करो, जब ये हमारी दशा कराई है, ये सपना करो। अब शूप लखाई समझाई कर बल बोलस बहु भात, भवन गए हुए सोच पर नींद परे नहीं रहा, भड़भड़ाओ नहीं अब स्थल की पूर्ति करो। हाँ, हाँ। अब देखिए महाराज को रात्रि में नींद नहीं आ रही, विशेष कारण है, किसी का एक मरता है वो चैन से नहीं सो पाता। एक नहीं मेरे 14,000 मारे गए हैं, 14,000 कैसे मुझे नींद आ जाएगी, जिस बहन के नाक और कान काटे गए हो क्या उस भाई को नींद आ सकती है, कभी कभी होता है। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही, राम बाबू उस रावण को, विकास व्यास उस रावण को, जिस रावण ने त्रैलोक की नींद उड़ा दी हो, जाके डर सुर असुर डराई ही, निस न नींद दिन अन्न न खाई। कभी कभी होता है, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, कछुक दिनन को दिन पड़ा तू कछुक दिनन की। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री राघव दास जी यादव, ग्राम कदौरा करदम ऋषि, उनकी भूमि से पधारे, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए, धन्यवाद। लेकिन बहन ने एक बात बतलाई मुझे कि एक अकेले बड़े तपस्वी ने 14,000 सेना के शहीद खरदूसर का वध कर दिया। खरदूसर कोई साधारण नहीं थे, खरदूसर मोहिषम बलवंता, तो क्या क्या वो आ गया तिन्हीं कुमारे पिन भगवंता, जिनकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता हुआ चला आ रहा हूँ। आ गया आ गया ये आ गया, ये कर रहा प्रतीक्षा, मैं था जिसकी तो ये मेरा पूरण कार होगा, मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ, उस नारायण का अवतार हुआ, सुर रंजन भंजन मई भरा, जाओ भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं उस परमात्मा की जाकर के पूजा नहीं करूंगा, मैं भी नाग का बदला नाग मैं पैर करूंगा पैर। उन्होंने मेरी पैर की नाक काटी है, मैं उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा, सीता का हरण, ये भोले 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 कर दो शक्ति प्रदान, मैं इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा, ईश्वर परा ब्रह्म हो परमेश्वर को ईश्वर भू पर नचा दूंगा। ए राम तू यदि परमात्मा है तो मैं तुझसे पैर पढ़ाऊंगा, ऐ सीते अपनी मुक्ति के पाने हित मैं आज अब तुझे चुराने आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं मामा मारीच का साथ लूंगा, चल रहा हूं मामा मारीच। दश मुख गया भू जहां मारी चा, ना ही मगाते स्वागत रख दी चा, ना ही मगाते स्वागत।